हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। फरीदाबाद में अरावली के पहाड़ कुछ लोगों के लिए सोना उगल रहे हैं। जगह जगह पर अवैध खनन लगातार जारी है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। आखिर क्या कुछ खास है इस वीडियो में, जरा देखिए। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग पत्थर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पाली सूरजकुंड रोड का है, जहां बाकायदा बोर्ड लगाकर खुलेआम पत्थर बेचे जा रहे हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, जिसमें कोर्ट ने अरावली में पत्थर तोड़ने पर रोक लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद भी अरावली पर्वत का चीरहरण नहीं रुक रहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट हिदायत दी थी चीफ सेक्रेटरी के, उसके बाद भी मैंने आज आपको दिखाया है कि एक जगह तो सरेआम खुलेआम बोर्ड लगा हुआ है, खनन हो रहा है, पत्थर तोड़े जा रहे हैं कि यहाँ पर पत्थर बिकते हैं। मामले को लेकर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट एलन पराशर ने खनन विभाग और जिला उपायुक्त को शिकायत दी है, साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पुलिस में मामला दर्ज कराएंगी। मैंने इसकी शिकायत एडमिनिस्ट्रेशन को की है, डीसी को की है, संबंधित विभाग को की है। अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैंने पहले एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी और चीफ सेक्रेटरी व इनके अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल की हुई है। अब अगर ये इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते तो मैं मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में इन अफसरों के बाई नेम FIR लॉन्च कराऊंगा। इनकी नाकामी इस बात का उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं, सरेआम बोर्ड लग के पत्थर फेंके जा रहे हैं। प्रदेश में कई जगहों पर लगातार अवैध खनन का खेल जारी है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए अरावली का भी चीरहरण कर रहे हैं, लेकिन अब तो मामला जिला प्रशासन की नजर में आ गया है। देखना होगा अवैध खनन के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र धैया की रिपोर्ट।